Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Dear students, आज हम पहले लेक्चर में सिलेबस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. फोर्थ ईयर का जो सिलेबस है वो आज डिस्कस किया जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में मॉडर्न एसेज शामिल हैं और इसके अलावा द ओल्ड मैन एंड द सी नावल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नावल शामिल है. मॉडर्न एसेज में हम कुछ एसेज पढ़ते हैं और उसके बाद ओल्ड मैन एंड द सी नावल है, जो कि अमेरिकन राइटर वॉज अ राइटर ऑफ पोस्ट वार जनरेशन, वॉज राइटर ऑफ ऑप्टिमिज्म, हु टेल्स अस अबाउट द मैंस एंडोरेंस अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिसने सारी ज़िंदगी ऑप्टिमिज्म का सबक दिया. उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त लिटरेरी पीस ऑफ वर्क जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है. और इस नावल में इंशाल्लाह हम इसकी करेक्टराइजेशन, इसमें सिंबलिज्म, इस आय की ट्रेजडी है या कॉमेडी है, ये भी डिस्कस करेंगे. वी विल फाइंड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन द नावल. डेफिनेशन ऑफ नावल, हिस्ट्री ऑफ नावल भी डिस्कस की जाएगी. और इसके अलावा हमारे सिलेबस में क्रैक्शन ऑफ कंटीन्यूस पैसेजेस शामिल है. हमें कुछ पैसेजेस दिए जाते हैं पैराग्राफ की शक्ल में, उनको हमने उसमें रिप्लेस करना होता है. जो वर्ड्स गलत होते हैं, उसमें मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स को हमने रिमूव करना होता है. हमारे पास ऑप्शंस होते हैं नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में, तो इसकी प्रैक्टिस भी की जाएगी इंशाल्लाह. और इसके अलावा प्रेसी राइटिंग जो है वो हमने राइटिंग को श्रिंक करना होता है. अगर हमारे पास कोई पैसेज दिया गया है, कोई पैराग्राफ है 100 वर्ड्स का, तो हमने इसको 30 वर्ड्स या 33 वर्ड 35 वर्ड्स तक उसको हमने लेके आना होता है. उसका सूटेबल टाइटल सजेस्ट करना होता है. इसमें कम्प्रीहेंशन भी आप कह लें कि इसमें शामिल है, कम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज. हमने पैसेज को बार बार पढ़ना है, उस पैराग्राफ को, और उसके एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनको हमने उनके आंसर देने हैं. उसका सूटेबल टाइटल, जो सबसे अच्छा टाइटल होगा वो सजेस्ट करना है. और उसके बाद हमने जो उसको करना है उसको प्रीसाइज करना है. इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड. इसको अपनी राइटिंग को, जो आइडियाज़ हैं, जैसे हम कहते हैं कि दरिया को कूजे में बांध करना, उर्दू में इसके लिए तलखीस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. तो ज़्यादा बातों को आप ये समझ लें कि उस पैराग्राफ का, उस जो हमारे पास जो चीज़ आएगी, जो भी आइडियाज़ होंगे, हमने उसका एसेंस लिखना है, उसका ख़ुलासा लिखना है, लुबिल बाब, जो चंद एक अल्फाज में हमने लिखना है. इसके अलावा हमारे पास ऑप्शनल चीज़ें आती हैं, या तो हमने डायलॉग लिखना होता है, ये एज़ कंपेरिजन ऑफ ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश, ये ज़रा ईजी होता है. और अगर हम इसको छोड़ें तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश. तो ये हमारा सिलेबस है. इंशाल्लाह हम कल से दूसरे लेक्चर में हम नावल स्टार्ट करेंगे, नावल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडर्न एसे की तरफ आएंगे. थैंक यू.